आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं संवर्धना मदरसन स्टॉक के बारे में। इस समय इस स्टॉक में हमने आपसे ऑलरेडी कहा भी था कि बीएनपी परिवास के द्वारा इसके टारगेट 155 के दिए गए और आईसीआईसीआई डायरेक्ट 130 और भसीन जी ने इसके टारगेट 160 तक के दिए थे। लेकिन इस समय इसके ट्रेंड देखेंगे तो काफ़ी निगेटिव ट्रेंड है। ये स्टॉक कंटिन्यूस अंडर परफॉर्म रहा है और जब भी स्टॉक अपने सेक्टर के अंडर परफॉर्म रहे तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर को कौशन रहने की जरूरत है। इसका एग्जांपल हमने मदरसन सुमियो टाटा मोटर्स के उदाहरण में हमने देखा है। इस समय स्टॉक देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 3% तक के अपट्रेंड दिखे। इस स्टॉक में आप देखेंगे कि बोनस इशू होते हुए दिखा है और बोनस इशू होने से पहले जो लास्ट डेट थी वो फ्राइडे को थी, इसीलिए एक ट्रेंड भी दिखा है। इस समय आप चार्ट देखें तो आप देखेंगे कि ट्रेंड काफी विजिबल, लोअर हाई लोअर लो का ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड ये स्टॉक देखें तो अराउंड 100 तक के लेवल्स को इजीली टच कर सकते हैं। एमएस के द्वारा हमने देखा कि 105 के लेवल दिए, 6 के दिए गए, वो अचीव होते हुए दिखा है। स्प्लिट ये जो बोनस मिल रहा है इसके बाद का जो रेट होना चाहिए, मेरे हिसाब से रेट अराउंड आपको 75 के नियर अराउंड तक का दिख सकता है, 68-75 के बीच का। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कौन सा प्राइस लगता है और साथ में ही देखेंगे कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट के तरफ से दोनों को कंपैरिजन करा गया है, मदरसन सुमी और संवर्धना मदरसन को, और कहा गया है कि मैक्रो अनसर्टेनिटी के कारण बेटर अपॉर्चुनिटी होगा कि मदरसन सुमी वायरिंग बेस्ट परफॉर्मर हो सकती है शॉर्ट टर्म के प्रोस्पेक्टिव से। हालांकि संवर्धना मदरसन ने भी काफी वेल्थ क्रिएट की है, मल्टीपल टाइम बोनस दिया है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बिल्कुल भी पैनिक सेलिंग नहीं करे, पोजीशन बनाए रखे। एक बार बोनस क्रेडिट होने के बाद 100 तक यानी इजिली 30% तक के रिटर्न दिख सकते हैं।